अभी हम खड़े हैं सोनभद्र जिले के जिला तहसील क्षेत्र अंतर्गत जिला महाप्रबंधक मुख्य कार्यालय के पास, जहां पर कि पांच ग्राम के विस्थापितों के द्वारा आज आठवें दिन अनवरत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विस्थापितों को आए दिन परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, इनको पूरी कंपनियों में नौकरी नहीं मिलता है, रोजगार की व्यवस्थाएँ कंपनी के द्वारा नहीं कराई जाती है, इसको लेकर एक धरने पर डटे हुए हैं। आज आठवें दिन हो गया, न इनके पास MCL प्रबंधन आया, न ही कोई भी कंपनी प्रबंधन आया इनसे बात करने। चलिए जानते हैं उन्हीं की जीवानी आखिर क्या है, इनकी समस्याएँ और क्यों रहते हैं धरने पर। आपका कितना किस मुद्दे को लेकर आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं? आपने के द्वारा मांग पत्र MCL प्रबंधन या मोदी कंपनी प्रबंधन को दिया गया? इसके पूर्व में सैकड़ों बार मांग पत्र दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विषय यह है कि विस्थापित परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदन दिया गया जिसकी जांचों पर आम उन्हें रोजगार दिए जाने हेतु सूची जारी की गई, परंतु अगर MCL प्रबंधन द्वारा स्वयं अपने स्तर से जारी की गई सूची में चिन्हित किए गए परियोजना प्रभावित सदस्यों को ही रोजगार नहीं मिला, इसलिए यहाँ बस मामला इतना है कि एक सूची MCL ने जारी की जिसको चिन्हित को जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि MCL बिना पर 250 विस्थापितों की सूची जारी की गई नौकरी की, क्या उन विस्थापितों को नौकरी नहीं मिली? उनमें किसी सूची में 263 लोग हैं, 263 लोगों की सूची जारी की गई है जिनकी प्रारंभ करने के माध्यम से हमने तो अगर वो भी कंपनी या MCL प्रबंधन आपकी बातों को अगर नहीं सुनता है तो आप आगे क्या जैसा कि आप देखते हैं आठवां दिन है, धरना प्रदर्शन भी जारी है और आज दूसरा दिन जो लोग आप नहीं बैठे हुए हैं चलिए उनको भी जानते हैं। आपका कितना क्या मुख्य बिंदु है आपकी? हमारे मुख्य बिंदु जो निकाला है 263 आदमी का तो आखिर कहाँ अड़चन आ रही है? तो वो 263 जिसकी सूची जारी की गई है उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। जैसा आप सुने उनसे और हमारे साथ युवा नेता पंकज मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं आ रही है और कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मैं पंकज मिश्रा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि पहली बार विस्थापित अपने हक के लिए जगह है और पहली बार विस्थापितों के पूर्व क्षेत्र की एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू कराने का प्रयास किया। विस्थापितों ने अपना आवेदन दिया, जो इनके NIT में प्राविधान है कि विस्थापितों को प्रभावित परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा, उसी के आधार पर उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन देने के साथ साथ बताया कि मेरे पिताजी की मेरे बाबा की इसके लिए जमीन गई, किस गांव में गई, किस डाटा संख्या, किस नोटिफिकेशन से आपने एक्वायर किया, मैं परियोजना प्रभावित परिवार का सदस्य कैसे हूँ, ये तीनों चीज़ों को सम्मिलित करते हुए आवेदन दिया है। MCL प्रबंधन ने खुद एक समिति बनाई, जिनकी त्रिस्तरीय समिति बनी, उस त्रिस्तरीय समिति ने 266 आवेदनों को अभी तक चयनित किया। आवेदन तो अभी पड़े हैं, 266 लोगों के आवेदन को चयनित किया। अब उस आवेदन को उन्होंने BGR को भेज दिया कि आप इसके आधार पर आप कार्रवाई करें, लेकिन NIT का कंप्लायंस कराना MCL की नहीं। अगर मान लीजिए कोई ठेकेदार NIT के अनुरूप, मान लीजिए आप सिविल का कोई काम हो रहा है और NIT के अनुरूप मानक के अनुरूप नहीं काम कर रहा, तो MCL उस पर कार्रवाई कर दूंगा। यहाँ यही पेच फंसा हुआ है, ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल है कॉन्ट्रैक्टर OB कंपनी और मैनेजमेंट के बीच में, ये टॉप से लेकर बॉटम तक हर आदमी इसमें इन्वॉल्व है। इतना बड़ा खेल है इस हजारों करोड़ का इस खेल में कि अब जो काम प्रबंधन को करना है, दवा अगर भैया मेरी जमीन BGR ने नहीं ली, मेरी जमीन MCL ने ली, मैं MCL से प्रभावित हूँ और MCL की जिम्मेवारी है मुझे रोजगार,
वो ठेकेदार के रहमो करम पे हम नहीं है कि ठेकेदार हमको रोजगार देगा। एनसीएल सूची भेज करके अपने आप को किनारे समझ रही है, तो हम इतने उनको लग रहा है कि हम बहुत आसानी से बैठ के फिर घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, हर मोर्चे पे एनसीएल से लड़ेंगे, हर मोर्चे पे एनसीएल को भ्रष्ट अधिकारी से लड़ेंगे। और हमारी अगली लड़ाई अब जो होगी, हमारी जो लड़ाई है अब सिर्फ एक परिजा तक सीमित नहीं है, ये पूरे एनसीएल को लेकर जाएंगे। और हम लोग एनसीएल में ओबी कंपनियों में हुए तमाम भर्तियों विस्थापितों के मामले में जो भर्तियाँ की गई है उसमें सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उसमें चाहे सीजीएम इन्वॉल्व हो, प्रशासन का व्यक्ति इन्वॉल्व हो, ठेकेदार इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारा रोजगार छिना है इस भ्रष्टाचार में, विस्थापितों का रोजगार छिना है। और पहली बार 266 व्यक्ति चिन्हित होके आए थे प्रक्रिया से, उसमें तमाम लोग जो ओबी कंपनियों के रोजगार को आज धंधा बनाए हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा पीड़ा है कि अगर इस तरीके से विस्थापित जाग गया और इस प्रक्रिया में उसको नौकरी मिलने लगी तो उनकी दुकानें कहाँ जाएंगी। हम सारी दुकानें उखाड़ देंगे। अगर बीजीआर इस भ्रम में है कि उसके पास लोग हैं, संसाधन है, ताकत है, तो हमें भी गांधीवादी ताकत में भरोसा है। यहीं से बीजीआर को वापस जाना पड़ेगा, और सिर्फ यहीं नहीं लड़ेंगे बीजीआर को, पूरे कोल इंडिया में बीजीआर जहाँ जहाँ काम करती है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आंदोलन, हर परिजना में खड़ा कर दीजिए। इसलिए एनसीएल प्रबंधन से भी आग्रह है कि किसी का कोई भाई भतीजा की बात रही है, जो आपने जिनको चिन्हित किया है उनको रोजगार दीजिए। रोजगार का मतलब बीफॉर्म बनाइए और कल से वो नौकरी करने जाए, ये रोजगार होता है। ये टालना कल परसों ये नहीं चलेगा, और आंदोलन कहीं नहीं जा रहा। जैसे हम घर में बैठे हैं वैसे यहाँ बैठे हैं, आंदोलन बड़ा होगा, व्यापक होगा और परिणाम लेके जाएगा। हम उठ करके घर जाने वाले नहीं हैं, या तो यहाँ से हम परिणाम लेके जाएंगे या हम जेल जाएंगे, हम दोनों के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश हो या सिंगरौली, इस क्षेत्र को ऊर्जांचल के नाम से जाना जाता है, और एनसीएल परियोजनाओं में तमाम ओबी कंपनियां कार्य करती है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि विस्थापितों को रोजगार नहीं मिलता है और ओबी कंपनियों में दलाल हावी रहते हैं। जैसे कि सिंगरौली हो या सोनभद्र, नौकरी लगवाने जाइए ओबी कंपनियों में तो पहले आपको किसी का सिफारिश लेकर जाना होगा। सबसे बड़ी बात सिफारिश, आखिर वो विस्थापित है किसका सिफारिश लेकर जाए, जबकि वह स्वयं विस्थापित है। ये एनसीएल परियोजना के द्वारा जो भी ओबी कंपनियां काम कर रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों का खुलेआम तौर पर शोषण किया जा रहा है, और दलाली तो वो भी कंपनियों में चरम सीमा पर है। दलाली के बारे में क्या कहेंगे? दलाली ही एक सबसे बड़ा कारण है आज जो 266 लोगों को रोका जा रहा है। ये 3-4 करोड़ की दुकान है, 3-4 करोड़ की दुकान। तो बात सिंपल सा है, विस्थापितों को एक ऐसा हथियार दिया जा रहा है कि अगर मैं एक बार चिन्हित हो गया कि मैं बिना परियोजना से प्रभावित हूँ और मैं परियोजना में सृजित होने वाले कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पाने का पात्र हूँ, तो मेरे पास ये हथियार हमेशा के लिए है। और सिर्फ ओबी ही नहीं, हाई पावर विजेस के जहाँ जहाँ विजेस हो रही है सारे जगह हमारा दावा बनता है, सारे जगह NIT में प्रावधान है। जो बीच के लोग हैं उनको लगता है कि अगर एक सामान्य सा विस्थापित जाग गया और वो भी कहेगा कि मैं इस तरह से चिन्हित हूँ और मैं पात्र हूँ, तो ये जो बीच की दुकानें वो बंद हो जाएगी। तो बंद होना, इन दुकानों को बंद होना पड़ेगा। अभी ये हमारी लड़ाई बहुत प्रारंभिक चरण पर है, इसके बाद हमारी लड़ाई होगी एनसीएल के खदान क्षेत्र में जो ये ओबी कैंप और जेल बना करके 1000 लोगों को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से ला के रखे, ये सबको बाहर लाए। नियमानुसार कोई भी रेजिडेंशियल कैंप अंदर नहीं हो सकता, ये सब CGM और CMD इन तारे अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। जो भी रोजगार छीना जा रहा है वो सब कुछ संरक्षण में हो रहा है। अब विस्थापित अपने हथकों को ध्यान दिया है, हम हर परियोजना, क्योंकि ये गठबंधन जब तक टूटेगा नहीं हमारा रोजगार छीना जाएगा। कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, कोई भी संगठन आता है, विस्थापितों की बात करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने जनप्रतिनिधि अभी सूची भी है, उन सूची से बिना परियोजना और तमाम परियोजना मिलान करने कि किस जनप्रतिनिधि ने कितने विस्थापितों की बात रखी, ये सारा कुछ विस्थापितों के नाम पे, कि विस्थापितों के नाम पे दबाव बनाना और अपने लोगों को अंदर कराना, उसके पीछे का सारा खेल है। ये खेल इस बार विस्थापित नहीं होने देगा, आर पार की लड़ाई है, क्योंकि रोजी रोजगार एक बहुत बड़ा संकट है, आर पार की लड़ाई है। हम जैसे यहाँ आए वैसे जेल में भी रहने को तैयार, ठीक है। हम निर्णायक लड़ाई पे हैं और निर्णायक जंग में चाहे जो हो
चाहे जो भाई प्रबंधन बात करे, हो सकता है हमारी बातें गलत हो, आखिर बात संवादहीनता कहाँ है भाई। हम लोग तो बात करने को तैयार है, सूची प्रबंधन ने बनाई, सूची का चयन भी प्रबंधन ने किया है, हम लोग ने आवेदन दिया, आवेदन देना हमारा काम है, आवेदन दिया 400 लोगों ने, 200-150 लोगों के आवेदन छाटे गए, आपने जो 266 पात्र पाए उनको पहले आप रिजाइन, और कौन इसमें बाधा बन रहा वो बताइए। मैनेजमेंट चिट्ठी भेज के खाली हो गई, दूसरे दिन कहा गया बायोडाटा जमा कर दिए, बायोडाटा जमा करने के बाद तीसरी प्रक्रिया बस्ती क्या है, वहाँ भरी है लोग, लेकिन तब से उसके बाद मौन धारण की। अरे इनको क्या लगता है कैसे बैठे चले जाएंगे, हाँ जिनकी ज़मीन पर परियोजनाएँ खड़ी हैं वो इतनी आसानी से सारी चीज़ें देखता रहे। ये पूरा क्षेत्र ज्वालामुखी के मुँह पर खड़ा है, प्रबंधन इस चीज़ों को समझे, रोजी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसी स्थिति ना पैदा करें कि ये नौजवानों का, युवाओं का, विस्थापितों का धैर्य जवाब दे। जैसा कि अभी आपने सुना, विस्थापित के भी सुने और युवा नेता के भी सुने, आपको मैं बताना चाहूँगा ये वही VGR डेपो है जो पत्रकार को खुले तौर पर धमकी दिया था, वही VGR डेपो है जिसके खिलाफ आज ये 5-6 अपने हक और हुकूक के लिए यहाँ धरने पर उपवास बैठने को मजबूर है। आखिरकार कहाँ है NCL प्रबंधन और कहाँ है वो OB का प्रबंधन जो इनके पास अभी तक आज 8वें दिन भी इनकी बात सुनने तक का भी नहीं आया। सबसे बड़ी विडम्बना OB कंपनियों में दलाली, अगर जब तक दलाली बंद नहीं होगा विस्थापितों का हक मिलना असंभव दिखता है इस ऊर्जांचल क्षेत्र में। कैमरामैन सोनू के साथ फरीद कुमार सिन्हा, धन्यवाद। Make happy your fit with our brand with SS Footwear, बैलन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोदी, वैडन सिगरौली, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049, 9798595115। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।